अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने अपने नेक को कट करना है। नेक को कट करने के लिए तकरीबन 4 इंचज़ तक हम एक विड्थ लेंगे और 5 इंचज़ तक इसकी लेंथ लेंगे। इसके बाद 2 इंचज़ नीचे की तरफ हम एक और निशान लगाएंगे और इसको ऊपर से इसको गोल गोल गुलाई में कटिंग निशान लगाना है और नीचे की तरफ इसको एक पत्ती की शेप दे देनी है। इसके बाद इसी के ऊपर ऊपर हमने इसको कटिंग कर लेनी है। ऊपर ऊपर कटिंग करने से क्या होगा कि हमारा जो गला है वो उसमें प्रॉपर जो है वो फिनिशिंग आएगी, कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगा। प्रॉपर गला कट करने के बाद हम इसको कपड़े पर चिपका लेंगे और जो बाहर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ एक एक स्टिच लगाने के बाद फोल्ड कर देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें। कमेंट भी लाजमी करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई और डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं लाजमी सिखा दूँगी। प्रॉपर गले में स्टिच लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है इसको आप कट कर दें। इसके बाद हम इस नेक को अपनी कुर्ती पर रख कर सीधी साइड पर रखना है और उल्टी साइड पर पलट देना है। आप इस तरीके के साथ भी निशान बना सकते हैं, चौक से भी लगा सकते हैं। तो आप अपना नेक जो है वो प्रॉपर सीधा बने तो इसके लिए सबसे पहले आपने सेंटर में एक निशान सेंटर में एक सिलाई लगानी है। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद फिर हम पूरे नेक में सिलाई लगाएंगे। पूरे नेक में सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर का जो भी फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। अंदर के फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम इसमें नोचेस लगाएंगे छोटे छोटे, ताकि उल्ट उसको पलटते वक्त कोई भी झोल वगैरह ना बने। प्रॉपर पूरे गले में हमें नोचेस लगाने हैं। अभी आप इसको दूसरी तरफ पलट दें। इसके बाद मैंने अपना पूरा गला जो है कमीज स्टिच कर ली थी और बटन भी लगा लिया था। इसकी प्रॉपर फिनिशिंग लुक है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिनिशिंग के साथ मैंने अपना पूरा जो है नेक स्टिच कर दिया है।